सबका स्वागत है। आज हम आए हैं जानने के लिए उस मुद्दे के बारे में जो 2017 में आप सभी जानते हैं कि बहुत ही फेमस हुआ, चर्चित रहा और अब तक भी ये मुद्दा बाबा राम रहीम जी, जी हाँ बाबा राम रहीम जी, अब तक जो मुद्दा चर्चित में है हम जानने आए हैं उनके बारे में, उन लोगों से जो यहाँ पर आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मीडिया ने जो दिखाया उसमें सच्चाई है या जो लोग आते हैं यहाँ उनके बातों में सच्चाई है। नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? इंसान। कहाँ से आई हैं? जी हम यूपी से आए हैं। तो आप इतनी दूर से यूपी में यहाँ क्या करने आए? हम यहाँ अपने गुरुजी का भंडारा मनाने आए हैं। तो बाबा जी के जाने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोगों का आना कम हो गया या फिर मतलब भी इतना कुछ मीडिया ने दिखाया, इवन लोगों ने भी बहुत कुछ आपको बोला होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों पे कोई असर नहीं हुआ उन सब बातों का जो आप फिर भी आ रही है? हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ, बट हम और ज्यादा पहले से मजबूत हो गए हैं, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ मीडिया ने दिखाया है उसका हमारे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी असर नहीं, ना पड़ा है, ना पड़ा था और ना ही कभी पड़ेगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है 1% भी। मीडिया तो बिल्कुल बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, खरीद रखी है मीडिया। मीडिया वो दिखाती है जो वो लोग बोलते हैं कि हाँ जी क्या दिखाना है, मीडिया क्या सच्चाई दिखाती है, क्या जानते हैं ये लोग? हम लोग यहाँ आते हैं, हम जानते हैं। आज भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। क्या आपने ब्लड डोनेट करा? हाँ, मैं भी ब्लड डोनेट करके आई। तो आप लोग ये ब्लड डोनेट क्यों करते हैं, पहले मुझे ये बताइए। ब्लड डोनेट करते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। आज ही हमारे यहाँ कम कैंप लग रहे हैं, थोड़ा अंतर आया है पहले से, तो कितना आप देख लो न्यूज़पेपर में सारे में आया है अभी लखनऊ में कि कितना वो पकड़ा गया है, नकली ब्लड बनाया जा रहा है, लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ रहा? क्या पड़ रहा है असर? तो पहले आप मुझे ये बताइए कि बाबा राम रहीम जी के जाने के बाद यहाँ क्या फर्क पड़ा है, क्या लोगों का आना कम हो गया या उनके जाने से यहाँ नशे वगैरह में किस में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, ऐसा क्या बदलाव आया है? नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं आया कि यहाँ लोगों का आना कम हुआ है। कुछ लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि वो कभी जुड़े ही नहीं थे, जो लोग भटक गए हैं वो जुड़े ही नहीं थे, उन्हें विश्वास ही नहीं था अपने सतगुरु पे। लेकिन एक दिन ये मैं बिल्कुल 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप देखना हमारे पिताजी जिस दिन आएंगे उस दिन सारी दुनिया यहाँ आएगी। तो क्या आप पूरी फैमिली इतनी दूर से यूपी से सभी आते हैं यहाँ? हमारी सारी फैमिली आती है, हमारे बच्चे भी सब लोग जुड़े हुए हैं और इतना ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे। आप सोचो कि आजकल कैसा माहौल है, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं। मेरे बेटा बीएससी कर चुका है, बेटी है उसने भी 12th करके वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। आजकल बच्चे हमारे कोई पकौड़ी समोसा ऐसी चीज़ भी खरीदते हैं तो ऐसी जगह देखते हैं पहले कि कहीं वो अंडे वगैरह तो नहीं रखता। इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे बहुत दूर हैं, नशे से और हर चीज़ से। मैम एक बात बताइए कि इतना कुछ हो गया, बाबा जी चले गए, फिर भी आप लोग अंधभक्तों की तरह आई जा रहे हो, आपको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से? नहीं है मैडम, अंधभक्त हम नहीं है। जो लोग बोलते हैं अंधभक्त वो हैं, आप जैसे लोग हैं, हम नहीं हैं अंधभक्त। तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो डेरा सच्चा सौदा में बहुत सालों से आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अंधभक्त वो लोग नहीं है, बल्कि वो लोग अंध हैं जो उन्हें कहते हैं कि ये अंधभक्त बन चुके हैं।